नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बिशुनपुरा इलाज के दौरान 42 वर्षीय अख्तर अली की बेंगलुरु में हुई मौत। अशर की रिपोर्ट। बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के पतिहारी ग्राम दर के रहने वाले बगड़ मियां के पुत्र अख्तर अली का इलाज के दौरान बेंगलुरु में मौत हो गई, जिनकी उम्र 42 वर्ष बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से अख्तर अली का हार्ट का बीमारी था, जो पैसे के अभाव से सही तरीके से इलाज न होने के कारण किडनी भी खराब हो चुका था। वहीं पर परिजनों ने 16 तारीख को इलाज के लिए बेंगलुरु ले गए थे, जहां 4 दिन इलाज के बाद डॉक्टर ने बेंगलुरु के ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेफर किया। हॉस्पिटल जाने के क्रम में रास्ते में ही अख्तर अली की मौत हो गई। मृतक अपने पीछे पत्नी सलमा बीबी 40 वर्षीय, एक लड़का अब्दुल कादिर, लड़की शमा परवीन, इन सबों को छोड़कर गया। बताते चले कि मृतक अख्तर अली दिल्ली में सिलाई का काम करता था। घर में अकेला कमाने वाला मृतक अख्तर अली अपनी फैमिली को छोड़ गया। बेंगलुरु से एम्बुलेंस द्वारा मृतक अख्तर अली का शव घर पहुंचते ही ग्रामीणों की भीड़ लग गई, जिनका मिट्टी करबला के कब्रिस्तान दिया गया। मौके पर मौलाना मतलूब साहब, मुबारक अली, तसीम मियां, अशफाक अंसारी, मतवर मियां, इसराफिल अंसारी, समाज सेवी गुलाम सरवर सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे।